इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से ये बड़ी खबर, एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से हाथरस के लिए रवाना की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ फौरी तौर पर ये एक्शन ले रहे हैं। एक तो एफआईआर भी दर्ज की जा रही है आयोजक पर और साथ ही जो सत्संग कर रहे थे उनके ऊपर। लेकिन इसी बीच गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को हाथरस इस समय रवाना कर दिया गया है। ये एक्सपर्ट पोस्ट भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हादसे पर लगातार योगी आदित्यनाथ की नजर बनी हुई है, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम इस समय हाथरस के लिए रवाना की गई क्योंकि इस समय रेस्क्यू का काम वहां पर तेजी से किया जा रहा है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम हाथरस के लिए रवाना हो चुकी है। हाथरस सम्मेलन के आयोजक कौन है इनका नाम भी जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में है। संजू यादव, देव प्रकाश मधुकर इंजीनियर है और प्रभारी है, उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया। महेश चंद्र मुख्य कर्ता धरता है इस आयोजन का और आयोजक के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, अनार सिंह। हाथरस सम्मेलन के ये तमाम आयोजक हैं जिनकी तलाश इस समय पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से रवाना की गई। और पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये घायलों को और 2,00,000 रुपये मृतक परिवारों को दिए जाएंगे। इसमें है प्राइवेट अस्पतालों में, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार इलाज करा रही है और सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा रही है, आयुष्मान अस्पतालों में भी इलाज करा रही है। सुबह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी में तो पूरी सरकार निहित है। मैं अभी एटा विजिट करके आया हूं, अब इस घटना स्थल पे हूं और इसके बाद अलीगढ़ जाऊंगा। क्या आप सूचना मिली, प्रशासन ने क्या इनपुट दिया अभी तक आपको? अरे इनपुट दिया है, मैं बता तो रहा हूं, 27 डेड बॉडी है वहां, 4 घायल थे। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो गई है, घायलों का उपचार हो रहा है। 50 से 60 लोग इसमें कैजुअल्टी हुई है। अब मैंने कह रहा हूँ, डीएम के बयान को डीएम जाने, मैं जो देख के आया हूँ मैं वही सामने आ रही है। क्या करिएगा सर प्रशासन? मैंने एक बात कही, दोनों की दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी पुलिस आगरा, दोनों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है अलग अलग। जो रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। लक्ष्मी नारायण चौधरी को आप सुन रहे थे, हमसे भी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। इस समय जो आयोजक है उनकी तलाश पे प्रशासन जुटा हुआ है। इसी बीच गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है हाथरस के लिए। रेस्क्यू इस समय वहां बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अस्पतालों में लगातार लाशों का अंबार इस समय लग रहा है, वहां लाशें लग रही हैं और ऐसे में इस समय रेस्क्यू अभियान में तेजी आए इसके लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को फौरी तौर पर रवाना किया गया है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक्स पर ये पोस्ट, उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया है और कहा गया है कि एक्शन तेजी के साथ लिया जाएगा, संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव काम में युद्ध स्तर पर जोड़ा गया है और उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी परिजनों के साथ ये तमाम बातें कही है जो एक्सपर्ट पोस्ट इस समय आप देख रहे हैं। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, इसका निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अरुण श्रीवास्तव सीएमओ आगरा इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अरुण जी, सीधी सी बात इतनी सी है कि जब भी आयोजन होता है ऐसे कार्यक्रम का, सबसे पहली बात हमारे जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो कह रहे हैं वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, निकासी को लेकर के कोई भी चीज़ पुख्ता तौर पर नहीं रखी गई थी, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा सर? ये मैं आगरा में हूँ, मैं एग्जैक्ट वहाँ के स्थिति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु हम लोग के पास अभी जैसी सूचना मिली है तत्काल हम लोग ने यहाँ पे एम्बुलेंस वाहन और हमारी मेडिकल टीमों को मूव करा दिया है और साथ में यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज और पोस्टमार्टम हाउस हम लोग पूरा अलर्ट में है, पोस्टमार्टम हाउस में सब रहेंगे और वहाँ पे किसी भी आपदा की या किसी भी स्थिति में हम लोग पूरी तरह जो भी सेवाएं हमारी तरफ से हो सकती देने में पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हमारी टीमें अलर्ट में है, तीन के ग्रुप में हम लोग ने यहाँ पे लगा रखा है कि जिससे कोई भी संख्या में अगर लोग आते हैं, चाहे वो घायल हों चाहे वो शव हों, उनको हम तत्काल जो भी सेवाएं हैं वो हम देते हैं। क्या मिली है, कितने लोगों की मौजूदगी थी और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 134 लोगों को के मरने की आशंका जाहिर की जा रही है। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की नहीं है, मैं क्योंकि आगरा की हूँ, ये हाथरस से ही जानकारी मिल पाएगी। मुझे यहाँ पे अलर्ट देने के लिए किस तरह सेवाओं को देने के लिए कहा गया है, जिसकी हम सेवाओं यहाँ पे देख रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं।
नमस्कार जी। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है और आगरा सीएमओ की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच रही है, गाजियाबाद से भी रवानगी हो चुकी है। हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और भगदड़ से पहले की भी तस्वीर आपने देखी, जितनी पर्याप्त संख्या वहां पर होनी चाहिए थी उससे ज्यादा थी। और इसके लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? ग्राउंड से जो रिपोर्ट अब तक पहुंची है उसके मुताबिक ना तो वहां पर एम्बुलेंस की मौजूदगी थी और प्रशासन भी वहां पर अलर्ट मोड में नजर नहीं आया। 1,00,000 लोगों की परमिशन ली गई थी लेकिन वो मिली नहीं और वहां पर 50,000 लोग पहुंचे। हालांकि वो जगह 50,00,000 के हिसाब से भी, माफ कीजिएगा, 50,000 के हिसाब से भी पर्याप्त नहीं थी और जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। एक और बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो वहां पर कथा वाचन कर रहे थे उनके चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब भीड़ इकट्ठा हुई और जब वो स्टेज की तरफ पहुंची, भगदड़ जब वहां पर मची, तो फिर पुलिस प्रशासन वहां आखिर नजर क्यों नहीं आया? ये चार तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, कुछ तस्वीरें इसमें आप सत्संग से पहले की देख रहे हैं। आज उस सत्संग का समापन था और समापन से पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां लगातार तैनात की जा रही है क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कुल 134 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और इस समय अस्पताल जो अगल बगल हैं उसमें भी घायलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, पुलिस को तलाश है जो आयोजक इस कार्यक्रम के रहे उनकी। राम प्रकाश, ये नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, हाथरस सम्मेलन के आयोजक कौन कौन है उन जिनकी तलाश इस समय पुलिस प्रशासन कर रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस हादसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक अहम सवाल इस समय बना हुआ है। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए ये सत्संग से पहले की तस्वीर है, यानी जब ये हादसा हुआ है, सत्संग जिस समय चल रहा था सुबह 8 बजे से इस कार्यक्रम को रखा गया था और आज सत्संग का समापन था और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख लीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर परमिशन नहीं मिली उतने लोगों की तो कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे कैसे? अगर पहुँचे तो जिस समय यह हादसा हुआ उस समय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर क्यों नहीं थी? और जिस एम्बुलेंस की तस्वीर अभी अभी आप देख रहे हैं, यही एम्बुलेंस वहां पर मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से वहां अपराधियों को पहुंचा, माफ कीजिएगा, जो लोग घायल हैं उनको पहुंचाने में टाइम लगा। और ये जो आयोजक है उनका नाम भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, देव प्रकाश मधुकर इंजीनियर और प्रभारी हाथरस सम्मेलन के ये आयोजक है, महेश चंद्र मुख्य कर्ता धरता जिसकी तलाश इस समय पुलिस प्रशासन को है, अनार सिंह जिसकी तलाश इस समय पुलिस प्रशासन कर रही है, संजू यादव हाथरस सम्मेलन के ये तमाम आयोजक जिनकी तलाश इस समय पुलिस प्रशासन को है, चंद्रदेव। तो ये बड़ा सवाल है आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी अब लेगा कौन, क्योंकि मरने वालों की संख्या आगे बढ़ती जा रही है। 134 अभी तक आंकड़ा हो चुका है। उमाकांत मेरे सहयोगी कनेक्टर है, उमाकांत क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? आपको बता दूं अभी जो घायल हैं प्रशासन द्वारा लगातार प्राइवेट वाहन हो या एम्बुलेंस हो दोनों सभी को लेके प्राइवेट वाहन द्वारा अलीगढ़ मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है जो घायल है, और बाकी जो सब हैं उनको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल हाथरस के लिए पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जी ठीक है उमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लगातार नजर बना कर रखें। तो सीएम योगी की तरफ से हादसे को लेकर के दुख जाहिर किया गया है, भोले बाबा लेकिन फरार है जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, साथ ही साथ जो आयोजक थे वो भी फरार। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर आपको इससे जुड़ी जानकारी या आप अपने परिजन की तलाश कर रहे हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। दो तस्वीर जो आज की पूरी कहानी बता रही है, हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ है और मरने वालों की का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से इस समय बढ़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से रवाना हो चुकी है, वहां पर तफ्तीश भी की जाएगी लेकिन उससे पहले रेस्क्यू अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नज़र लगातार इस पर है और बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आयोजन को लेकर के पुख्ता तैयारियाँ आखिर पहले क्यों नहीं थी? जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे कैसे? ये जब पूरा हादसा हुआ उस समय प्रशासन आखिर कहाँ था? ये तमाम सवाल भारत 24 की तरफ से हेल्पलाइन नंबर लगातार जारी किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें जो हाथरस की दर्दनाक कहानी को बयां कर रही है, पहली तस्वीर में जो सत्संग के बाद उस भगदड़ की है, लोग अपने परिजनों की तलाश में वहां पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। भगदड़ में 134 लोगों की मौत की खबर इस समय मिल रही है और ये काउंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में लाशों का ढेर है और घायलों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, उनका भी इस समय इलाज अस्पताल में किया जा रहा है।
मौत के सत्संग का गुनहगार आखिर कौन है और वो फरार कहाँ है? गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं, एम्बुलेंस की मौजूदगी नहीं वहाँ पे, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं, ऐसे में सवाल ये है कि फिर इस कार्यक्रम का आयोजन वहाँ हुआ कैसे? और अगर कैपेसिटी इतनी नहीं थी तो फिर लोग इतनी भारी संख्या में वहाँ पहुँचे कैसे? इसकी जानकारी आखिरकार आला अधिकारियों को क्यों नहीं लगी? बड़ा अपडेट फिलहाल ये है कि इस समय वहाँ रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम इस समय गाजियाबाद से रवाना, हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वहाँ पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की नज़र लगातार बनी हुई है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे से जुड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से ली है। ये भी जानकारी इस समय मिल रही है हाथरस हादसे को लेकर के हेल्पलाइन नंबर जो हम फ्लैश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर आपके परिजन यहाँ पर हैं या हो सकते हैं या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।